नमस्कार दोस्तों, आज है 31 मई और आज 31 मई के करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। बात करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चंस की। प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अनार्ड जोक, बी थियरी डेलपोर्ट, सी हेनरी लुइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट जो विप्रो के नए एमडी व सीईओ बने हैं। बात करें विप्रो तो यह अपन बात करें भारत की तीसरे सबसे बड़ी जो कंपनी है, तीसरी सबसे बड़ी आईटी जो कंपनी है वह विप्रो है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसके मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके यदि अपन बात करें अध्यक्ष की तो इसके हैं ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों, आज अपना करंट अफेयर का एक जो टेस्ट जो सीरीज है वो चालू हो रही है और वह शाम को अपनी रिलीज होगी और आप उसका जो आंसर जो की है वो कल अपन वीडियो से पहले बताएंगे। तो आप उस जो वीडियो है उसके करंट अफेयर्स जो भी उसके कमेंट बॉक्स में आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उनका उत्तर देने की आप कोशिश करें, और फिर भी नहीं आते हैं तो हम इस चीज के बारे में कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, खीर भवानी वार्षिक मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जम्मू व कश्मीर। खीर भवानी जो मेला है वह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में कोविड-19 के कारण यह जो मेला है वह स्थगित कर दिया गया है। वह मेला जो है अब नहीं भरेगा क्योंकि कोविड-19 के कारण जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो इस कारण से इस मेले को अभी स्थगित कर दिया गया है। बात करें खीर भवानी वार्षिक मेला तो यह जम्मू कश्मीर से है। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित हो गया है। एक का नाम है लेह, दूसरा का नाम है लद्दाख। लेह और लद्दाख, यदि पर बात करें यहाँ के गवर्नर की तो यहाँ के लेह के गवर्नर तो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख की यदि पर बात करें आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था 31 मई, 31 मई को अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, और यह 1987 से हर वर्ष यह मनाया गया है। हर साल 1987 से ये लगातार ये मनाया जा रहा है। बात करें कि इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वह इसको मनाता है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका यदि अपन बात करें हेडक्वार्टर या मुख्यालय की तो वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख के बारे में करें तो इसके प्रमुख है टेड्रोस एधनोम इसके प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों में प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने फफूंदी पाउडर तैयार किया है? तो यह जो फफूंदी जो पाउडर है वह तैयार किया है असम राज्य ने। असम राज्य ने अभी लोगों में प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग के विरुद्ध जो शरीर में ऐसी कैपेसिटी तैयार करना जिससे किसी भी रोग जो है वो सरलता से नहीं हो, इसके विरुद्ध किस राज्य ने एक फफूंदी पाउडर यानी फफूंद से प्राप्त होने वाले एक पाउडर तैयार किया है? तो यह पाउडर तैयार किया है असम राज्य ने। बात करें अपन कि यह पाउडर किससे प्राप्त होता है, तो यह पाउडर कौन से अपन कहेंगे कौन से फफूंद से प्राप्त होता है, तो यह सुपर मशरूम एक फफूंद होते हैं जो लकड़ियों पर मुख्य रूप से ये लगते हैं, उससे यह जो फफूंदी जो पाउडर है वह प्राप्त किया जाता है। बात करें इसके वानस्पतिक नाम की या साइंटिस्ट नेम की तो इसका नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस। बात करें अपन असम की तो असम ने अभी चाय की बिक्री के लिए अभी जोरहाट जो है उसकी स्थापना की है। असम राज्य ने चाय की बिक्री के लिए जोरहाट जो है उसकी स्थापना की है। बात करें असम की राजधानी की तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री है, और यहाँ के राज्यपाल जो है वह जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी से कौन सा देश शामिल हुआ है? जो G7 जो देश थे उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साझेदारी में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है अमेरिका। अमेरिका ने अभी जो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साझेदारी में भी शामिल हुआ है। बात करें अमेरिका जो है वह चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए इस G7 साझेदारी में शामिल हुआ है। बात करें अपन G7 तो इसकी जो पहल की थी वह की थी फ्रांस व कनाडा ने। और जो G7 जो है वह एडवांस अर्थव्यवस्था है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के साथ किसके साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसके साथ अभी समझौता किया है। बात करें अपन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसकी यदि अपन बात करें स्थापना हुई थी और इसका यदि अपन मुख्यालय के बारे में बात करें तो यह मुख्यालय मनीला स्थित है फिलीपींस में। बात करें वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष है तो इसके अध्यक्ष है मातुसुंग असाकावा जो है वह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अग्निपथ नामक मिसाइल का नाम है अग्निपथ मिसाइल पार्क की आधारशिला किस युद्ध पोत पर रखी गई है? तो यह है रखी गई है आईएनएस कलिंग जो है उस पर हाल ही में यदि अपन बात करें अग्निपथ नामक मिसाइल पार्क आधारशिला रखी गई है। बात करें तो यह है यदि अपन बात करें 28 मई 2020 को यह रखी गई है और यह किसके द्वारा रखी गई है? तो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा यह है जो आधारशिला है वह रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना कि सभी को अपन राष्ट्रीय नंबरिंग देंगे एनएनपी की शुरुआत किसने की है? तो यह शुरुआत की है TRAI यानी भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण जो है उसके द्वारा यह दी जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जिन व्यक्तियों का आधार नंबर वो मोबाइल नंबर दोनों एक साथ कनेक्ट है तो उनके लिए ये एनएनपी सुविधा जो है वो शुरुआत की जाएगी जिसमें प्रत्येक ग्राहक को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर जो सड़क है उस सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है? तो दोस्तों यह विकसित किया यूपी सरकार ने अभी हाल ही में 800 किलोमीटर की जो सड़क है उस सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है। बात करें अपन यूपी की तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल या गवर्नर के बारे में बात करें तो वह है आनंदी बेन पटेल। लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा जो सीट है वह है 4 है। इसके साथ साथ 3 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वह यूपी सरकार की है। पहली जो योजना है वह है जियो टेक कम्युनिटी जो किचन है वह लागू करने वाली जो सरकार है वह यूपी सरकार है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक ऐप है प्रवासी राहत मित्र जो ऐप है वह भी अपने यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें आरोग्य सेतु जो है उस आरोग्य सेतु की अनिवार्य करने वाला राज्य जो है आरोग्य सेतु को अनिवार्य करने वाला जो राज्य है वह भी प्रथम यूपी है। जियोटेक कम्युनिटी किचन्स, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आरोग्य सेतु इन तीनों को लॉन्च करने वाला प्रथम यदि अपन राज्य के बारे में बात करते हैं तो वह है अपने पास यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैथिल वीरांगना के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो मैथिल वीरांगना के रूप में सम्मानित किया गया है ज्योति कुमारी। बात करते हैं ज्योति कुमारी कौन है तो ज्योति कुमारी यदि अपन बात करें तो ये गुड़गांव से दरभंगा तक
1200 किलोमीटर की जो दूरी है, वह जो 1200 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी से अपने बीमार जो पिता है, उस बीमार पिता को साइकिल के माध्यम से इन्होंने पहुंचाया है। कोरोना महामारी में जब यातायात सभी प्रकार से बंद है, तो अपने बीमार पिताजी को यह 1200 किलोमीटर दूरी, ये जो दूरी है, उस दूरी से साइकिल के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए है। इस कारण इनको मिला है मैथिल वीरांगना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरेस्ट ई पेन सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें क्या है, इंस्टेंट तुरंत किसी को पेन नंबर यदि चाहिए तो इंस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा कि जो किसी भी व्यक्ति का यदि आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक है, तो वह तुरंत क्या कर सकता है, अपने जो प्राण नंबर है वह प्राप्त कर सकता है। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज संडे है, तो अपने एक विशेष टेस्ट सीरीज आज शाम को अपन लॉन्च करेंगे, जिसके जो क्वेश्चंस आज बताए जाएंगे आपको, आपको उनको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने आते हैं। जो उनकी जो आंसर जो की होगी, वो आंसर की हम कल लॉन्च करेंगे, कल उनकी आंसर की आएगी, तो आप देखना कि अपन को कितने सही है, कितनी हमारी तैयारी है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। धन्यवाद।